नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी। अपने यूट्यूब चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एसएससी एमटीएस 2021-22 वाले जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ आपकी ये है कि सैलरी आपकी जो है अब इंक्रीज हो गई है। अब आपको जो सैलरी मिलेगी वो सीएचएसएल एग्ज़ाम के थ्रू जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है उनको जितनी सैलरी मिलती है उतनी सैलरी आपको भी अब मिलने वाली है। और इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास क्या है कि इस बार एमटीएस के थ्रू हवलदार की भी वैकेंसी आपकी निकली है। तो इस बार आपकी जो टोटल पोस्ट होंगी वो भी अनुमान है कि 10,000 के आसपास आपकी वैकेंसी होने वाली है। तो आप लोग जी जान लगा के मेहनत करिए और सिलेक्शन लीजिए। अब मैं आपको ओरिजिनल सैलरी स्लिप के थ्रू ये बताने वाला हूँ कि अगर आपका सिलेक्शन एसएससी एमटीएस 2021-22 के थ्रू एज ए एमटीएस या एज ए हवलदार अगर होता है तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा अगर हवलदार आप बनते हैं तो आपको एक्स्ट्रा क्या क्या अलाउंसेस आपको मिलने वाले हैं, वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आपके सारे जो डाउट हैं वो इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे ये ओरिजिनल सैलरी स्लिप है और ये जो सैलरी है वो जनवरी 2022 की है। अब सैलरी आपको सीएचएसएल के इक्वल क्यों मिलेगी, क्योंकि आपको पता होगा कि जो आपका डीएनएस अलाउंस है वो 3% अब आपका इंक्रीज कर दिया गया है, जो कि अब आपका हो गया है 31%, यानी कि 28% से इंक्रीज़ होकर के 3% हो गया है। और ये जनवरी 2022 से ये आपका एप्लीकेबल है, जनवरी 2022 से ये आपको इंक्रीज़ होकर मिलेगा, जिससे डीए आपका बढ़ने से आपकी जो सैलरी है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो गई है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितना सैलरी इस टाइम पे आपको मिलेगा अगर आपकी जॉब लगती है, ठीक है। तो बेसिक आपका जो पे है आपको पता होगा 18,000 बेसिक पे है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें आपको मिलती हैं, जैसे कि डीएनएस अलाउंस जो है वो आपका अब 3% और इंक्रीज़ होकर अब टोटल आपका कितना हो गया है, अगर 18,000 का 31% निकालोगे तो 5,580 रुपये हो गया। एचआरए जो है वो 3,600 रुपये, टीपीटीए वो आपका 1,350 रुपये, टीपीटीए डीए आपका कितना हो गया है 419, और एनपीएसजीसी ये 3,301। तो टोटल आपकी जो नेट सैलरी जो ग्रॉस पे बना है वो 32,250, लेकिन इसके अलावा आपको पता होगा कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो कुछ डिडक्शन भी होता है। तो क्या क्या कटता है, एनपीएस का आपका 2,358 रुपये कटता है, एनपीएसजीसी का 3,301 रुपये, और सीजीएचएस का आपका 250 रुपये, और CGEIS का आपका 30 रुपये, यानी कि डिडक्शन जो हुआ वो कट पिट के 5,939 रुपये डिडक्शन होने के बाद जो सैलरी आपकी बन रही है वो 26,311 बन रही है, यानी कि जो सैलरी है वो आपकी 26,000 प्लस आपको सैलरी मिल रही है। और इतनी ही सैलरी सीएचएसएल वालों को मिलती है, और जाहिर सी बात है कि जब डीए बढ़ा है तो सीएचएसएल वालों का भी बढ़ा होगा, तो उनकी सैलरी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ये जो सैलरी है वो आपकी सिटी बाई सिटी डिपेंड भी करता है कि आप किस सिटी में हैं। आप अगर बड़े शहर में होंगे तो सैलरी ज़्यादा होगी, 30,000 से प्लस भी होती है। और सिटी बाई सिटी आपकी, अगर आप मतलब स्मॉल एरिया में हैं, अगर आप कोई ज़िले में हैं, कोई मेट्रो सिटी आपका नहीं है, तो आपको सैलरी इतनी मिलती है, ठीक है। तो सैलरी आपका जो है सिटी बाई सिटी भी आपका डिपेंड करता है। उसके अलावा अगर हम बात करें हवलदार का, तो हवलदार की पोस्ट पे अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको 5,000 रुपये एक साल में एक बार आपको ड्रेस अलाउंस भी मिलेगा, मतलब ड्रेस वगैरह के लिए आपको 5,000 एक्स्ट्रा मिलते हैं, ठीक है। और उसके अलावा वर्कलोड इसमें बिल्कुल नहीं है। एमटीएस की जॉब में आप कुछ डिपार्टमेंट को छोड़ के वर्कलोड काफ़ी कम रहता है और आप अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। तो एमटीएस की जॉब को कम मत समझिए, इसके थ्रू सिलेक्शन लेके आप जो बड़ी जॉब है जैसे सीजीएल है, यूपीएससी है, इसको टारगेट कर सकते हैं। तो अपना पूरा माइंडसेट बनाइए कि इस बार इस वैकेंसी में सिलेक्शन लेना है, क्योंकि जितना टाइम आगे जाएगा क्योंकि कंपटीशन उतना ही ज़्यादा बढ़ रहा है। और अगर आप एसएससी एमटीएस 2021-22 एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो इसके लिए कंप्लीट मैथ्स इस चैनल पे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मैथ्स में आप बहुत अच्छा स्कोर करके आने वाले हैं। और ये जो लाइव क्लास हमारी है वो 10 बजे से स्टार्ट होने वाली है, एक दो दिन के अंदर हम सुबह 10 बजे से लाइव करेंगे और इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अलावा इस चैनल पे मैं आपको कंप्लीट मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ और सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, तो इसका फ़ायदा उठाइए। तो उम्मीद है कि सारी बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि अगर एमटीएस 2021-22 के थ्रू आपका सिलेक्शन होता है तो आपको सैलरी
कितनी मिलेगी, आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।